कि छोटी काशी की आवाज और बड़ी काशी तक पहुंच रही है और ये सहयोग है एक तरह का। जब छोटी काशी में भी नामांकन पत्र हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का और बड़ी काशी में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन हुआ और यहां से आशीर्वाद लेने के लिए कंगना जी आप सबके बीच में हैं और जहां बड़ी काशी की बात है वहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता है सदैव, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और भारतीय जनता पार्टी की जुझारू प्रत्याशी जो मंडी लोकसभा क्षेत्र से हैं और जिन्होंने फिल्म जगत में अपना नाम, अपनी पहचान एक लंबे संघर्ष के बाद जो हासिल की, पद्मश्री अवार्ड आपको मिला है, ऐसी सुश्री कंगना रनावत जी, हमारे बीच में माननीय विधायक मंडी श्री अनिल शर्मा जी, हमारे पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे गोविंद सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में हमारी मदद करने के लिए पूर्व में केंद्रीय मंत्री सांसद श्री अजय टमटा जी, हमारे बीच में पार्टी के हमारे साथी श्री बिहारी लाल शर्मा जी, माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी, राकेश जम्वाल जी, सुरेंद्र शौरी जी, इंद्र गांधी जी, प्रकाश राणा जी, दिलीप ठाकुर जी, पूरन चंद जी और पूर्व में हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे महेश्वर सिंह जी, सांसद रहे भाई लोकेंद्र जी, हमारे विधायक दीपराज जी, हमारे विधायक डॉक्टर जनक राज जी, हमारे विधायक पूर्व विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं रवि ठाकुर जी लाहौल स्पीति से, और यहाँ हमारे बीच में भाई कौश नेगी जी, सूरत नेगी जी, जिला के अध्यक्ष निहाल चंद जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, बहुत गर्मी है और गर्मी के साथ साथ में जिस प्रकार से आज आप यहां पर बड़ी संख्या में यहां आए हैं, आपने और भी तापमान बढ़ा दिया है और मैं सामने देख रहा था कुछ लोगों ने अपने सिर पर कुछ रखा है और जिनके सिर में कुछ भी नहीं है वो बहुत परेशान है मेरे जैसे लोग, लेकिन चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के आज के इस नॉमिनेशन की रैली में आप सब बहुत दूर दूर से आए, मुझे मालूम है कल से कुछ लोग हमारे साथ ही चले हुए हैं, आज यहां पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या के साथ आए, बड़ी जोश के साथ यहां पर आए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कुछ दिन पहले यहां पर एक सभा हुई और जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने जो भाषण दिए उन्होंने कहा कि गाड़ी चल पड़ी है, उस गाड़ी में चढ़ जाओ, लटक जाओ, जगह मिले नहीं मिले खड़े 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 चलो। और आज मैं कहना चाह रहा हूं वो गाड़ी को आज पंक्चर कर दिया आपकी इस रैली ने। उस दिन तो बड़ी नाटी डाल करके गए थे लेकिन उनको कल्पना नहीं थी कि यहां आज 14 तारीख को जब कंगना जी का नॉमिनेशन होगा तो कुछ बड़ा होगा, वो बड़ा जो आप लोगों ने यहां पर करके दिखा दिया उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। करके जो बात कर रहे थे कुछ लोगों ने कई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया और मैं ये कहना चाह रहा हूं मंडी को अपमानित करके मंडी से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं वो साथी, मुझे लगता है कि अब की बार उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कांग्रेस की एक नेत्री कहती है ये कौन मंडी है, अरे उनको ये मालूम नहीं
ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है, मांडव ऋषि की तपस्थली है, मंडी का नाम मांडव ऋषि के नाम पर पड़ा है। और वो पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये कौन सी मंडी है? और जिस तरह से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब की बार इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ेगी। अरे मंडी को अपमानित कर रहे हो, मंडी को आप गाली दे रहे हो, और उससे मंडी से आप जीत की उम्मीद कर रहे हो, सहयोग की उम्मीद कर रहे हो। ये दो चीजें मैं समझता हूं निश्चित रूप से नहीं हो सकती है। और जहां तक यहां हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं मैं सरकार की, भाई और बहनों, 15 महीने से सरकार हिमाचल प्रदेश में है, और 15 महीने के सरकार का काम एक ही रहा, बंद करो, सब कुछ बंद करो। और मंडी में तो अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है तो उसको बंद कैसे किया जा सकता है, उसके लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। या कंगना जी कह रहे थे, अरे जो कांग्रेस के यहां पर कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ यहां पर आए थे, जब हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो शिमला के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी मंडी में खोली, उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का प्रस्ताव आया, उसको छोटा करने का प्रस्ताव आया, उसको अपमानित करने का प्रस्ताव आया, तो दस्तखत करने वाले जो यहां के जो प्रत्याशी लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी के, वो उस बैठक में उपस्थित थे। मंडी में जब एयरपोर्ट बनाने की बात के लिए हमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी, 1000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा था, कैबिनेट की बैठक में निर्णय होता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मंडी वालों ने कुछ नहीं दिया, 1000 करोड़ रुपए तुरंत वापिस ले लिया, और पैसा वापिस लेकर के अलग अलग महकमे में जो है उसको बांट दिया गया। 300 करोड़ मंडी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर दिया गया था, वो सारा का सारा पैसा सरकार बनते ही यहां से वापिस लेकर के दूसरी जगह दे दिया गया। और मंडी में आगे बढ़कर के भाई और बहनों में ये कहना चाहता हूं, 250 करोड़ रुपए का शिव धाम जो काम जिसका शुरू कर दिया था, 50 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, और उसके बाद जो 200 करोड़ रुपए उसके लिए बजट का प्रावधान किया था, वो पैसा भी वापिस लेकर के दूसरी जगह बांट दिया गया। और ये श्रीमान जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित थे, मंडी का विकास रोकने के निर्णय होते रहे, और ये श्रीमान जी वहां उस बैठक में उपस्थित होकर के दस्तखत करते रहे।